माइग्रेन के इन तीन मरीज की कहानी सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं महीने की 30 रिजेनेट स्ट्रिप खाता हूँ। मेरा नाम रंजीत है, मैं महीने की 50 कॉम्बी फ्लेम खाता हूँ। मेरा नाम विशाल है, मैं महीने की 60 टॉपिक लेता हूँ। ये संदूक भरकर दर्द की गोली खाने वाली बीमारी को मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक या MOH कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महीने में 10 से ज्यादा कॉम्बी फ्लेम खाते हैं, 10 से ज्यादा रोमानिल लेते हैं, 10 से ज्यादा निमसन पी लेते हैं, 10 से ज्यादा अर्गट की टेबलेट खाते हैं, 10 से ज्यादा रिजानेट खाते हैं, या 15 से ज्यादा पैरासिटामोल खाते हैं, 15 से ज्यादा ब्रूफेन खाते हैं, या 15 से ज्यादा डाइक्लोफेनेक खाते हैं, और अगर ये सिलसिला 3 महीने से ज्यादा चला, यानी आपको मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक है। ये एक शराब की तरह आदत जैसी बीमारी है। जैसे हम कहते हैं ना लोगों को, आपको शराब की लत लग गई, वैसे ही कुछ लोगों को ये दर्द की गोली लेने की लत लग जाती है। दोस्तों, मैं इन मरीजों से नाराज़ नहीं हूँ, मैं इन मरीजों पे मुझे दया आती है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमें अगर दर्द की गोली ना दी जाए तो इनका दर्द बहुत बढ़ जाता है। मैं जानता हूँ उनकी बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन हमें करना क्या है? दोस्तों, माइग्रेन एक इरेगुलर लाइफस्टाइल की बीमारी है। जो लोग समय पे खाना नहीं खाते, समय पे नहीं सोते, धूप में ज़्यादा जाते हैं, या अपना तनाव कंट्रोल में नहीं रख सकते, उनको बार बार माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं। ये अगर इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल में करते हो तो हो सकता है महीने में आपको एक या दो ही दर्द की गोली खानी पड़े, और ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको महीने में 3, 4 या 5 दर्द की गोली खानी पड़ती है तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। न्यूरोलॉजिस्ट आपको कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसके नाम है जैसे फ्लुनारिजिन, प्रोपरनॉल, एमीटिप्लिन, डाइवलप्रोसोडियम या टोपिरामेट। इनका 6 या 9 महीने से कोर्स करने से आपके जो हेडेक की फ्रीक्वेंसी है, जो 6, 8, 10 तक जा रही है, वो वापस 1 या 2 पर आ जाएगी, जो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन कुछ लोग न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं करते हैं और उनकी हेडेक की फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ती जाती है 4, 6, 10, 15, 20, तो वो लोग आसानी से एक दर्द की गोली ले लेते हैं, और इस करते करते ही ये 10, 15, 20, 30 गोली पर पहुंच जाते हैं, जिसको हम मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक कहते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक के स्टेज पे पहुंच गए हो तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट करके उसकी कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए। और ये आसानी से शराब की तरह छूटने वाली बीमारी नहीं है, इसमें बहुत न्यूरोलॉजिस्ट को भी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को 5 या 10 कंसल्टेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये आसान बीमारी नहीं है। आपको क्या करना है? लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना है, और अगर आपको उसके बावजूद भी महीने में 3 से ज़्यादा बार सिर में दर्द होता है तो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी चाहिए, ताकि आप MOH पे ना पहुंच जाओ। ऑल द बेस्ट।